संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पार्श्वभूमि में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। कुछ बालकों को अस्पताल में भी भर्ती कराए जाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने इसके मद्देनजर बालकों के लिए बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। वे विभागीय आयुक्त कार्यालय में बाल रोग विशेषज्ञों के कृति दल की बैठक में बोल रही थी। जिलाधिकारी विमला आर मनपा के अपर आयुक्त राम जोशी, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुधीर गुप्ता, स्वास्थ्य उपसंचालक डॉक्टर संजय जायसवाल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सिलोकर, कृति दल के डॉक्टर उदय बोधनकर, डॉक्टर कुश झुनझुनवाला, मेडिकल के बाल रोग विभाग प्रमुख डॉक्टर सायरा मर्चेंट, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग प्रमुख डॉक्टर सीएम बोकड़े, डागा के बाल रोग विभाग प्रमुख डॉक्टर विनीता जैन, प्रादेशिक कर्क रोग अस्पताल के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर कृष्णा सिरमनवार मौजूद थे। इस दौरान कहा गया है कि विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी लहर में ओमिक्रॉन का संक्रमण होने पर 1% बालकों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। विभागीय आयुक्त ने कहा कि इसी प्रकार औषधि एवं अन्य सामग्री के पर्याप्त स्टॉक के साथ साथ मनुष्य बल तैयार रखना आवश्यक है। पालकों में जन जागृति करने के साथ साथ मनपा को बालकों के लिए पृथक सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए गए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।